नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हिंदी टेक मसाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो कैसे लगाया जाता है। क्या आप भी अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर किसी लड़की का फोटो लगाना चाहते हो तो कैसे आप सेट कर सकते हो? तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शॉट दिखाऊँगा, फिर उसके बाद आपको मैं वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊँगा कि व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैलरी ऐप को ओपन कर लिया है और दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी गैलरी ऐप के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो को लगाओगे तो यहाँ पर कैसे दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको भी अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर किसी लड़की का फोटो सेट करना है या अपना खुद का फोटो लगाना है या दोस्तों अपने फैमिली मेंबर का फोटो लगाना चाहते हो तो आप सिर्फ़ एक क्लिक में लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी गैलरी के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं दोस्तों फोटो को ले लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों, जब आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो लगाओगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लड़की का फोटो दिखाई देगा या अपना खुद का फोटो दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है और मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि कैसे यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ से बैक आने के बाद दोस्तों, व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा और दोनों ट्रिक में से अगर आप किसी भी एक ट्रिक को नहीं देखते हो तो दोस्तों आप 100% अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो को सेट नहीं कर पाओगे। अब व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन अपने व्हाट्सएप को मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन कर लेना है। अब जैसे आप अपने व्हाट्सएप को मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को डार्क मोड में इनेबल कर लेना है। अब डार्क मोड में इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है, फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक चैट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे थीम पे क्लिक करने के बाद और डार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आपका जो व्हाट्सएप है वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे डार्क मोड में इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। अब यहाँ पे दूसरा ट्रिक ये है कि दोस्तों आपको अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो लगाने के लिए एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा हूँ और मैं आपको आगे बताऊँगा कि इस ऐप का नाम क्या है और इस ऐप को डाउनलोड कैसे किया जाता है और इस ऐप की मदद से कैसे आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो को सेट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वीडियो के अंदर कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजाइनर टूल्स प्रो। इस ऐप का नाम ही दोस्तों यहाँ पर डिजाइनर टूल्स प्रो, तो दोस्तों इसको सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा और मैं पहले से ही इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके डाउनलोडिंग की बात करें तो यहाँ पे 5 मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड्स कर लिया है और 3.8 की रेटिंग है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद दोस्तों, जो आपने अभी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया है इस ऐप को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इस ऐप का जो इंटरफेस है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा मॉकअप ओवरले का, तो दोस्तों आपको मॉकअप ओवरले पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन निकल के आएगा, एक लैंडस्केप मोड और एक पोर्ट्रेट मोड। तो आपको दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में एक प्लस आइकन बटन देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा जैसे आप अपनी गैलरी के अंदर आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसे आप अपनी गैलरी के अंदर आ जाएंगे, अब यहाँ से आपको किसी भी फोटो को लगाना है तो कैसे आप लगा सकते हो, तो अपनी गैलरी से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लड़की का फोटो सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको एक दोबारा से मॉकअप ओवरले की सेटिंग आएगी, तो आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आपके होम स्क्रीन पर यह लड़की का फोटो दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने इसको इनेबल किया, यहाँ पे दिखाई देने लगा, फिर यहाँ पे आपको एक सेटिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो ओपेसिटी है कुछ इस प्रकार से होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको 100 कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद फोटो को दोस्तों ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकते हो और इस फोटो को दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार से कर सकते हो और यहाँ से अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब दोस्तों जैसे मैं अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करता हूं तो हमारा व्हाट्सएप ऐप के होम स्क्रीन पर, तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर यहां पे एक लड़की का फोटो दिखाई देने लगा है। तो आप कुछ इस प्रकार से अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर किसी लड़की का फोटो लगा सकते हो या अपना खुद का फोटो लगा सकते हो। मैं अपडेट्स वाले ऑप्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी हमें लड़की का फोटो दिखाई दे रहा है। कम्युनिटीज वाले ऑप्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कॉल्स वाले ऑप्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं इसको अनइनेबल कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको लगाना है और इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये एक सही तरीका था व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो लगाने का। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हिंदी टेक मसाला यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।